लिखा इस पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन छोटा सा कहा, छोटा ज्यादा बड़ा नहीं, तो कॉन्ग्रेट। अभी गाड़ी रेडी हो रही है, तो मुझे गाड़ी यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब हम डिलीवरी लेंगे तब। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है जे और आप देख रहे हो जय सिंह व्लॉग्स। और आज आपने वीडियो के टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि कौन सा व्लॉग है। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग। जा रहा हूँ मैं ऑफिस, रास्ते में हूँ और ऑफिस जाके वहाँ से मैं शिवा को उठाऊंगा और मैं, शिवा और शायद एक दो लोग और आज जाने वाले हैं। तो आप लोग भी देखते रहो, मिस मत करना, आज बहुत मजा आने वाला है। और यार बहुत ज्यादा वेट किया है इस गाड़ी का, करीबन नहीं भी तो एक महीने से ऊपर हो गया है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तभी हमने इसको बुक कर दिया था और उसके बाद से करीबन 30-35 दिन लग गए गाड़ी को डिलीवरी तक पहुंचने में। सो एक्साइटमेंट तो है जब आप किसी अच्छी चीज़ के लिए वेट करते हो और फिर वो फाइनली होती है, तो जो अंदर मतलब एकदम सेंस ऑफ एक्साइटमेंट होता है ना, वो मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइस हमारे साथ वापस आ चुके हैं वन एंड ओनली शिवा ब्रो। और आर यू एक्साइटेड फॉर योर न्यू कार? एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है आज, मुझे पता नहीं क्यों। पहुंचने वाले हैं हम अगले 10 से 15 मिनट में और भाई ये स्वीप साइकिल ठीक करने के चक्कर में ना आज के दिन की वाट लग गई मेरी। मैं 4-5 घंटे सोया होऊंगा, अभी जो नींद आ रही है ना मुझे, मेरा मन कर रहा है मैं गाड़ी में सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकते क्योंकि अगर सो गया तो फिर स्लीप साइकिल की तो बैंड बच जाएगी। 2-3 दिन में हम निकलने वाले हैं वापस नॉर्थ ईस्ट, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ आखिरी पल हमारे नोएडा में और उसके बाद बैक टू बेस, बैक टू नॉर्थ ईस्ट। एक्साइटमेंट मेरे अंदर ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, इसका तो शक्ल मैंने दिख रहा है ना कुछ। आई एम फीलिंग मोर एक्साइटेड ऑफ द न्यू कार। गाड़ियों का जिसका शौक होता है ना उसके अंदर खुशी होती है। और मैं सोच रहा हूँ कि टाइटल में तो रिवील कर ही दिया होगा ना कौन सी गाड़ी है कि नहीं करूँगा, कर दिया होगा आराम से, नहीं करूँगा ना। नए सब्सक्राइबर्स को तो पता नहीं होगा ना, नहीं लगा दे बैक करके पीछे का। मैं गाड़ी नहीं बता रहा कौन सी गाड़ी डिलीवरी हो रही है, बस हम नई गाड़ी डिलीवरी लेने जा रहे हैं। पहुंच गया होंडा शोरूम, होंडा की गाड़ी है बस इतना बोल रहा हूँ, बाकी रिवील होगी तब गाड़ी देखना पड़ेगा। तो पहुंच गए हम शोरूम। अरे यार कितनी ज़्यादा गर्मी है भाई, गाड़ी के अंदर की एसी भी काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है। दांत का दिखा रहा है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं उसके बाद। बहुत लोग तेरी गाड़ी में वो कर रहे हैं, रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सारे कांड हो रहे हैं। अब इसके पेपर वर्क में भी दिक्कत हो गई अलग से, मिलेगी नहीं मिलेगी इस जन्म में गाड़ी को लेके जा रहे हैं। अब इनकी एसी काम नहीं कर रहा है, बना के भेजा है, अब भी काम नहीं कर रहा भाई, इतनी गर्मी में परेशान कर रहे हैं। 22 डिग्री पे है लेकिन कुछ चल ही नहीं रहा है, क्या होंडा ये वे, इन सब मामलों में नेक्सा अच्छा है, सर्विस वगैरह भी अच्छी है उनकी। एसी तो सेंट्रलाइज लगा लेते कम से कम इतनी बड़ी बिल्डिंग में। दोनों को बता, ये छोटा वाला है ना, ये भी पहले शेक करना होगा, क्या करना पड़ेगा, पहले शेक करना पड़ेगा, शेक हट, शेक नहीं करना पड़ता भाई, डायरेक्ट बोल जाओ। कहाँ लिखा है इसमें, इसमें नहीं लिखा, जिससे था वो बोल रहा हट, पता नहीं फूटे, ये फूटते भी नहीं है भाई जल्दी, कोई नहीं। चलो केक काटिए, चलो लगो लाइन में। अबे डर क्या रहे हो बे, काटो ना। कुछ लिखा इस पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन आओ तो इधर, डर क्यों रहे हो बे, आओ कहाँ के रविंदर जी कहाँ चले गए, आओ ना आगे इधर, ये काटेंगे इधर। छोटा सा कार, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं, तो कॉन्ग्रेट सो द फर्स्ट कार। तो गाइस सारी फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई हैं, अभी गाड़ी रेडी हो रही है, तो मुझे गाड़ी यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब हम डिलीवरी लेंगे तब। और यार 2-3 घंटे लग गए यहाँ पे केक पे काट के, अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी रेडी हो जाए और हम आप लोगों को डिलीवरी दिखाएँ बढ़िया। तो गाइस फाइनल टाइम आ गया कि हमें अपनी गाड़ी मिलने वाली है और दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी देर बस, थोड़ा और इंतज़ार, अभी मैं गाड़ी में ही सारा सामान रख के आता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। फाइनली दिन आ गया तुम्हारा गाड़ी का, बहुत घूमे हैं इसके चक्कर में और मुझे भी घुमाया इसके चक्कर में, मस्त लग रही गाड़ी, घुमाने वाले और अच्छी लग रही है, घुमाने वाले भी कोई बात नहीं, मिल तो गया एंड में कुछ। कैसी लग रही है देख के, खुशी आ रही है दिल में, अब तो एक्साइटमेंट आ रही होगी थोड़ी बहुत,
पक्का एक्साइटमेंट। एक एक पकड़ लो पोपर पकड़ लो दो 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 मैं तो वीडियो बनाऊंगा ना। अरे वाह पोपर पकड़ लो एक एक फोड़ो गाइस थोड़ी देर में दिखाता हूँ गाड़ी सिनेमेटिक वीडियो से। फाइनली मिल चुकी है डिलीवरी हमें ऑफ दी ऑल न्यू एक्स्टर मुझे बढ़िया ग्रीन कलर में खाकी ग्रीन बोल सकते हैं इसको क्या मज़ा। मैंने आप लोगों को बहुत दिखाई है पहले फाइनली अभी हमारी हो गई है तो जो भी दिखाई थी पहले वो ट्रायल वाली थी अभी नॉर्मल वाली थी। दिस इज़ आवर्स मस्त पेस है पीछे भी आगे भी कम्फर्टेबल गाड़ी है ऑल इन ऑल। अभी चलते हैं इसको बढ़िया ड्राइव करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। हम चला रहे हैं सफारी मिलता हूँ मैं आप लोगों थोड़ी देर में एक्स्ट्रा की ड्राइव लेते हैं फिर। शिवा चला रहा है अभी गाड़ी एक्स्ट्रा हम हैं अभी हमारी फेवरेट रेंज ऑफ कार्स में दैट इज एसयूवीज। हम हैं अभी कौन सी गाड़ी में सफारी हम चला रहे सफारी अभी हम जाएंगे बढ़िया सा रिव्यू बनाएंगे एक्स्ट्रा का सो कल आपको मिलेगा बढ़िया एक्स्ट्रा रिव्यू। और आज अब बस थोड़ा एक फर्स्ट इंप्रेशन देख लो गाड़ी का उसके बाद कल हम आपको बढ़िया डिटेल में रिव्यू देंगे एक्स्ट्रा का तो कल का वीडियो भी मत करना। शिवा ऐसे कंपनी वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं ना उनको बड़ा दौड़ाता है ठीक है। आज जब खुद के नाम पे गाड़ी निकली है एकदम प्यार से चला रहा है हिला ही नहीं रहा बिल्कुल एकदम नॉर्थ ईस्ट में हम अगले एक दो महीने में मस्त जो गाड़ी हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई है फिलहाल वो लेने वाले हैं मज़ा आ जाएगा। गाड़ी चलाई कैसा लगा बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यारी गाड़ी है। आवाज़ कैसा साउंड सिस्टम वगैरह साउंड सिस्टम वगैरह बहुत कैड़ा है और मतलब जो बाहर से नॉइस आती है ना स्विफ्ट वगैरह में ये गाड़ी गाड़ी तो बढ़िया है। गाइस हम आ चुके हैं इन दी ऑल न्यू एक्स्टर और अब हम फर्स्ट ड्राइव लेने वाले हैं अपनी नई गाड़ी की और आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। डिटेल रिव्यू जो है वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को जो फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है ऑफ एक्स्टर वो दिखाऊंगा या डिटेल रिव्यू आपको जानना है तो अगला व्लॉग जरूर देखना। चलते हैं इसको डालते हैं ड्राइव मोड में और लेट्स हिट द रोड दौड़ा देंगे गाड़ी। ओह माय गॉड मिनी एसयूवी है भाई मिनी एसयूवी वाला फील दे रही है। कंफर्टेबल है गाड़ी यार कैबिन नॉइज बिल्कुल नहीं है गाड़ी में नहीं कोई नहीं बाहर बाहर ले चलो ना रोड पे चलते रहे। तो गाइस कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का हैंडलिंग भी एक नंबर बढ़िया और डिजिटल क्लस्टर है पूरा डिजिटल है कुछ भी इसमें एनालॉग नहीं है एक स्पीडोमीटर तक भी एनालॉग नहीं है सब कुछ डिजिटल। ड्राइव एक्सपीरियंस है जो दिखने का आगे जो है वो भी बढ़िया दिख रहा है। ये है व्यू सामने का जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको ऐसा दिखने मिलेगा इस गाड़ी को। बहुत से लोग ग्राउंड क्लियरेंस के लिए ट्रोल कर रहे थे मगर नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया। ये पीछे बैठा ये पीछे बैठा कहाँ टिक रही है गाड़ी तो 185 इज गुड बाकी गाड़ियों में तो 160 165 के आसपास ही आता है। नहीं नहीं अच्छी है भाई कंफर्टेबल है गाड़ी और एक सबसे अच्छी बात है ना इसमें नॉइज बिल्कुल नहीं है बाहर का अगर चल रही है गाड़ी तो मतलब ज्यादा झटके भी नहीं ले रही है फालतू में क्रिकेट खेल रहे हैं कहाँ कुछ नॉइज नहीं आ रही। सभी गाइस इसका फटाफट हम डिटेल रिव्यू बनाते हैं मैं आप लोगों को मिलता हूँ थोड़ी देर में। बढ़िया रिव्यू बना लिया है गाड़ी का कल आ जाएगा। और ये है हमारे दो बॉयज हेल्पिंग अस विद द शूट अभी निकलते हैं यहाँ से चलते हैं वापस ऑफिस क्योंकि मुझे अभी निकलना है फॉर चांदनी चौक ये कुछ सामान लेना है यार और वो सामान क्या है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और डू सब्सक्राइब कर लो भाई बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है सब्सक्राइब कर लो ले जा दांत क्या दिखा रहा है वे दांत तोड़ देगा दाद दिखा ठोक तो तेरी गाड़ी साले नई गाड़ी लेके हीरो बन रहा है लड़का खुश है एकदम इतना खुश पहली बार दिख रहा हूँ इसको मैं पहली गाड़ी है ना इसलिए। गाइस फाइनली स्कॉर्पियो इज आल्सो हियर ये खड़ी है हमारी नई स्कॉर्पियो अभी बनीपन बंधे हुए हैं क्या पहुंच गया नई गाड़ी लेके हैं कांग्रेट्स क्या हो संदीप भाई मुंह क्यों बनाए हुए हो। तो गाइस ये हमारी नई स्कॉर्पियो एन बढ़िया लग रही है यार मुझे अच्छी लगती है गाड़ी ये लेकिन मेरे काफ़ी दोस्तों ने मना किया है
मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा था कि ये लेनी चाहिए कि लेनी चाहिए, मना कर रहे थे। आज को चला के और बढ़िया रिव्यू लेके आप लोग बताएं कि लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गाइस ये देखो बढ़िया इंटीरियर ऑफ स्कॉर्पियो एन, टॉप मॉडल है ना ये तो। थोड़ा बहुत इसके जैसे ये मिथार का जैसा ये कंट्रोल सारे। भाई इनके साथ मत ले जाना तुम ड्राइव पे, क्या बढ़िया लेदर फील अच्छी है भाई गाड़ी के, कुछ भी फील बढ़िया है, फील जबरदस्त है, एक नंबर दे दिया है अपने ऑपरेशन हेड ने, मतलब एक चीज को चलाते पता लग जाता है। ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक तो जिमनी भी है, जिमनी से तो सही है, लाख गुना बढ़िया चीज दिया भाई। चलो गाइस इसका रिव्यू बाद में डालूंगा, अभी टाइम नहीं हमारे पास, ये निकलना है बाहर से। आप लोग देख लो एक बार स्कॉर्पियो एन, अच्छी लगती है मुझे तो गाड़ी भाई, कंफर्टेबल भी है। लेकिन थार और इसमें कंपेयर करूंगा मैं तो थार के लिए जाऊंगा, सिंपल इज दैट। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस से और हम हैं रेड फोर्ट के आसपास। सो अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक, हमें कुछ लेजर्स और लाइट्स वगैरह लेनी है क्योंकि हमारा एक बार खुल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसको भी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो उसी की लिस्ट भेजी है दोस्तों ने, तो वही जाके आज फाइनल करना है और पेमेंट वगैरह करनी है उसकी। तो वही चल रहे हैं हम चांदनी चौक, आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या ले रहे हैं। भाई ये फेमस गुरुद्वारा चांदनी चौक का, ये चांदनी चौक निकलते हो गया, मैं सामान ले लिया, ऑर्डर करने में चीज़ें को दिक्कत हो रही है सिर्फ नॉन वेज ऑप्शन ही दिख रहा है क्या? दिख रहे हैं। सर गाइस आज खिला रहे हैं जीजू वेज हमें, पनीर चाप रोटीज। सो गाइस डिनर करने के बाद हम तीनों लोग चले गए थे मूवी देखने, हम गए थे OMG 2 देखने के लिए, और काफी बढ़िया मूवी है, मतलब अच्छा मैसेज दिया गया है मूवी में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है एंड देन डू वॉच इट आउट। और अभी मैं जीजू को ड्रॉप करने के बाद सीधा जा रहा हूँ अपने फ्लैट पे क्योंकि इट्स लेट और एक दो दिन में हम निकलने वाले भी हैं, तो फिर हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी अपना, जो पैकिंग वैकिंग ये सब काम खत्म करना पड़ेगा। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज जे फ्रॉम जय सिंह ब्लॉग्स, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय।